बट दैट इज़ वेरी पैथेटिक, आई मीन टू से और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से अगर बात मैं आपकी फील्ड की करूँ तो काम आगे से आगे निकल जाता है। एक तो ये कि पहले उस बंदे को ये फील होना कि यहाँ पर वो गिल्टी है, उसका गिल्ट, उसको रिग्रेट हुआ है उस चीज़ बिल्कुल से। दूसरा उसे उसके उस रिग्रेट से निकालना, उस निकालना, गिल्टी फीलिंग से निकालना। वो बिल्कुल सारी ज़िंदगी उसी के साथ रह के, अच्छा हाँ मैंने जी डाका डाला था, मेरे से ये गलत काम हुआ था, वो उसी में ही फंसा रहता है। बिल्कुल उस चीज़ से भी आपको निकालना बिल्कुल होगा। बिल्कुल, तो पहले तो ये रियलाइज हाँ जी, करवाना, फिर रियलाइज उसको हेल्प करवाना, आउट हेल्प करना, आउट करवाना। तो ये तो बिल्कुल काफ़ी शुरू से लेके अंत तक का काफ़ी बहुत लंबा काम है। प्रोसीजर बन आप जाता है। देखें कि हालांकि हमें ऐसे फोन कॉल्स भी आती हैं, जी खुदकुशी करने लगे हैं, बचा लें। अब ऐसे एकदम से बंदा कैसे बचाए? अब मुझे बताएं कि अब कहने को जी एक कॉमन मैन की तरह मैं कह सकती हूँ जी मुझे क्या, हम सारे खुदकुशी कर लें, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। जी। लेकिन वहां पे काउंसलिंग छोड़ के इंसानियत का फैक्टर सामने आ जाता है अच्छा। कि काउंसलिंग के लिए मैंने शुरू में बताया था कि एक शख्स जो खुद चलकर आएगा उस पर फर्क पड़ेगा। अब जो खुदकुशी करने वाला तो पहुंच गया पहाड़ पर पहुंच छलांग गया, लगाने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे भी एक और फैक्टर है कि अगर तो उसने पहाड़ पर चढ़ने से पहले मुझे कॉल की है तो उस वक्त तो मैं बचा सकती बचा हूँ, सकती हूँ। अदर देन काउंसलिंग, जंप आउट करके, वहाँ पे काउंसलिंग नहीं। लेकिन अगर वो मुझे पहाड़ पे चढ़ के छलांग लगाने से पहले कॉल कर रहा है उस वक्त तो काउंसलिंग नहीं हो सकती। और आप एकदम से कहें कि नहीं भी वापस नीचे वापिस आओ तो वो ना सुनने ना उसने लगेंगे, नीचे आना, छलांग उसने मारने, इरादा क्या, वो मारने लगा छलांग, उस मारने वक्त मुझे लगा। कॉल आई है। तो उस वक्त समटाइम्स मुझे इंसानियत के नाते अपने इस काउंसलिंग की शैल से बाहर भी आना बाहर पड़ता है, पड़ना। मुसलमान होने के नाते, इंसान होने के नाते, कुछ चीज़ों को जंप आउट करके अपनी लिमिटेशन को एक साइड पे करके मुझे हेल्प करनी होती कि एक जान जा रही है, फौरन घर वालों से भी रब्ता करना, व्हाट्सो ठीक एवर। है। इसमें ये सेंसिटिव बहुत, इट्स अ वेरी सेंसिटिव और इशू है, ऐसे में तो आप साइकोलॉजिस्ट खुद स्ट्रेस में नहीं आ जाते हैं? बहुत इधर स्ट्रेस से में भी आते फंस हैं, गए, इधर से भी फंस बहुत गए, स्ट्रेस में आते एक हैं साथ सब कुछ खोल के रख सकता है लेकिन बिल्कुल। संदूक की तरह बंद होके बैठना अब है। आप ये देखें कि एक फोन कॉल मुझे आई है कि जी एक बच्ची है, उसके पेरेंट्स अच्छे बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं अच्छा। और उस बच्ची खुद माशाल्लाह वो साइकोलॉजिस्ट है वो बच्ची, तो उसकी मुझे कॉल आई कि जी ज़बरदस्ती शादी होने लगी है और मेरे फादर ने कहा कि भागती हो तो भाग जाओ, तुम्हारी पसंद की शादी नहीं करूँगा। अब जब पढ़े लिखे वालदैन ये कह रहे हैं, एक ऑप्शन दे एक दिया। ऑप्शन दे दिया, वो कह रही नो प्रॉब्लम, माई पेरेंट्स आर सेइंग कि भागती हो तो भाग जाओ, कोई देखिए तुम्हारी पसंद की शादी नहीं करेंगे। अब इसमें काउंसलिंग तो पीछे रह गई, पीछे रह गई। ये तो बहुत बड़ा फैमिली इशू और पर्सनल इशू है। समटाइम मुझे आउट ऑफ द वे जाके ऐसे मसलों को भी सॉल्व करना पड़ता तो कैसे है। करते हैं लॉन्ग आप? स्टोरी शॉर्ट है, अल्लाह हाँ का शुक्र है वो बच्ची अपने घर खुश है, आबाद है, पसंद की उसकी शादी हुई है ओके। और और फैमिली के उसके साथ भी फैमिली सब कुछ सेटल हुआ है जिसका ग्रेट। बहुत कुछ। ये स्टोरी मैंने कई जगह शेयर भी की है तो लोग पूछते हैं कि आपको ऐसा क्या जरूरत पेश आई कि किसी की इतनी आउट ऑफ द वे जाके आप हेल्प करें। पर मैंने देखिए कहा आप, मजबूरी है कि जिंदगी बच इंसान गई की है। जिंदगी बच गई है अगर वो कुछ और उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता तो बिल्कुल। फिर भी एक दिन के बाद साइकोलॉजिस्ट, उसका निकाह था दूसरी हाँ जगह जहाँ वो नहीं चाहती थी, हाँ तो किस तरह मैंने इसको हैंडल किया, मुझे हेल्पर, मुझे फ्रेंड बनना पड़ा, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट बनना और इन दी एंड पड़ा, साइकोलॉजिस्ट एक इंसान ही है, वो इंसान ही बेचारा है फिर खुद भी आ जाएगा बिल्कुल उस बिल्कुल। और प्रेशर में। अपना भी बीच में नाम ना आए और किस तरह हेल्प करनी पड़ती है कि हर फैमिली की इज्जत भी बचे। अब मैं हैरान हूँ पेरेंट्स से, वो कैसे अपनी बेटी को कह रहे हैं कि तुम भाग जाओ, आपको नहीं पता कि जब बच्ची भागेगी तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार है तैयार लेकिन हैं अपना रोल वहां से वो और चेंज वो नहीं दोनों कर अच्छे रहे। भले रिस्पेक्टेबल हैं, सब उनको जानते हैं, ओके ये भी नहीं कि फौरन से नाम पहलना था जी फलां की बेटी भाग गई है, ओके। वो किस तरह मैंने बचाया, किस तरह किया, इट वॉज अदर देन काउंसलिंग। यानी मुझे ये काम भी करने पड़ते करना हैं, पड़ता बताने है, का मकसद ये है ठीक कि है। अदर देन काउंसलिंग मुझे जंप आउट लेकिन वो करके, आपको हाँ सारे डायलेमास को पूरा जी। प्रोज एंड कॉन्स देख के हर और बच्ची चीज ने ये को, भी मुझे कह दिया कि पूरी दुनिया में मैंने सिर्फ आपको कॉल की है, आप कुछ कर सकते हो कर लें, वरना मैं भाग रही हूँ और ये सूटकेस तैयार है। आप पे एक प्रेशर है। बहुत डबल प्रेशर, अब मैं खुद इंसान हूँ, अब मैं अपनी काउंसलिंग की लिमिटेशंस को देखूँ या ठीक एथिक्स को है, देखूँ या फैमिली को सही देखूँ है, या उसकी फैमिली को देखूँ या उसको, दैट इज़ सो टफ। ठीक है। तो ये हमारी सोसाइटी में ये कहने को एक काउंसलिंग का वर्ड है, इसमें बहुत कुछ आ बहुत जाता है, कुछ है ये बहुत तो, कुछ मुझे है लगता है कि शायद आपकी पूरी लाइफ बीच में, यही अगर बिल्कुल हम डिफरेंट फील्ड्स की यहाँ पे बात करें, आपने यहाँ पे बच्चों की बात की है, स्कूल की बात की है, जी फैमिलीज की जी बात की है, अभी जिस तरह आपने एक जनरल ये वाली एग्जांपल दी जिनकी भी वो थी, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे उनके बहुत घर खुशहाल में, उनके दो बच्चे हैं, माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह। जी तो ये भी मतलब एक फैमिलियल इशूज़ ही हो गए हैं। इसके अलावा और क्या क्या इशूज़ हैं, यानी आपकी काउंसलिंग की फील्ड में और क्या क्या फील्ड सारी कवर हो जाती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तो इस सोसाइटी की लेडीज़ को, जेंट्स को, तमाम सब लोगों से कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। जैसे ही हम नेगेटिव सोचते हैं तो बात सारी नेगेटिव की तरह निकल जाती है तो इसमें हमारी डिफरेंट डिफरेंट मतलब जिस तरह ऑक्यूपेशनल साइड भी आपकी आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, स्पोर्ट्स में भी इसका कुछ रोल है? स्पोर्ट्स में बिल्कुल, जब जब एक प्लेयर इमोशनली फिट नहीं होगा, मेंटली फिट नहीं होगा, तो वो कैसे परफॉर्म कर पाएगा। सही उसका बात इमोशनल आउटबर्स्ट अगर आ रहा है, पहले तो ये शुक्र है कि वो प्लेयर है, है। वो अपना इमोशनल आउटबर्स्ट वहाँ पे रिलीज सही कर है, सकता है,
कर सकते वो हीटिंग करके सब कुछ करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। एकदम हमने वो श्रेक आउट बिल्कुल करना होता है वो वहां पर बिल्कुल वहां पर वो अपनी एनर्जी रिलीज करके तो अपना थोड़ा सा रिलैक्सेशन अपने आप को ले सकते हैं। प्लेयर्स क्या दुनिया का हर इंसान एक प्रेसिडेंट से लेके एक गरीब आदमी जो फुटपाथ पे बैठा हुआ है हर शख्स इमोशनल बिहेवियर प्रॉब्लम्स का शिकार है एंड दैट इज नॉर्मल। और मैं कहूंगी कि जब भी आपके घर में कोई प्रॉब्लम नजर आए तो प्लीज जरूर रुजू करें बजाय इसके कि वेट करेंगे जब तक चलो कोई नहीं गुजारा और इसको एक थप्पड़ लगा दिया बच्चे को। थप्पड़ इज नॉट देयर सॉल्यूशन, थप्पड़ इज शायद एक्चुअली द स्टार्ट स्टार्ट। और मैंने माओ को ये देखा है कि बच्चे को कहेंगी तुमने उसको मारा है मारो नहीं। अब बच्चा देखता है कि मुझे कह रही है इसको क्यों मारा है मारो नहीं और मुझे खुद भी मार रही है। अब देखो इस बच्चे पे क्या गुजर रही है। हस्बैंड वाइफ हैं जो बात शाउट करके करते हैं वो अगर प्यार से कर लें बहुत फायदा हो जाए बल्कि वो भी देख देख के काफी अग्रेसिव बिल्कुल। अच्छा यहाँ से मुझे ना एक हमारी कॉमन लाइफ की एग्जांपल वो आपके मुझे मारने से याद आ गई कि काफी पुरानी एक बात है यहाँ पे मैं वो अपना कुछ एक शेयर करना चाहूंगी कि जिस तरह हमारे एक आम होता है कि बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है जिस तरह आपने कहा कि अच्छा उसने उसको मारा तो हम उसका बदला पूरा करने के लिए मार देते हैं तो इसी तरह एक दफा एक बच्चा जो है वो गिर गया और जी टेबल से गिरा नीचे से फर्श से चोट लग गई है तो हम क्या करते हैं टेबल ने मारा लो ये मार दिया हमने टेबल से बदला पूरा हो गया। तो एक दफा ऐसे एक बच्चा जो है ना वो यूं टेबल से लग के गिरा और मैंने एकदम से मतलब मैं कहा अच्छा टेबल ने मारा तो जैसे आप छोटे होते क्यों कर देते हैं तो साथ ही तो उसकी मामा ने फौरन मुझे वहां पर रोका कि ऐसे नहीं करना उसमें ही उसकी बदले की आ जाएगी कि अगर मुझे मार पड़ी है तो यहाँ मैंने इस चीज को वापसी मारना और वो एक छोटी सी बात एक ले एक शायद एक वो एक हाउस वाइफ थी बिल्कुल और वो ऐसे मुझे वो टच की तब मतलब आज से इतने साल पुरानी बात उसको रियलिटी लर्न करवाएं कि इट हैपेंस होता है इट्स ऑल राइट। डीप एक बात सिर्फ एक हाउसवाइफ एक मदर एक कर गई है कि अगर आप इस तरीके से यही तो फिर परवरिश में और हमारी बल्कि काउंसलिंग में भी यही चीजें आती हैं जो शायद हमारी वो आप रह जाती है लोगों में फिर आप उसको होते क्या ये जनरल प्रिंसिपल्स ही हैं हमारी मोरल वैल्यूज ही हैं लेकिन इनको हम डील किस तरीके से डील किस तरह ठीक है ठीक है और शेयरिंग जरूर करें फैमिली में क्वालिटी टाइम जरूर दें आप इसमें। मैं तमाम पेरेंट्स को कहना चाहूंगी अब जिसको देखें जी फादर सारा दिन सुबह से काम पे गए और रात 12 बजे घर आ रहे हैं जब आए तो बच्चे सो रहे हैं सुबह उठे तो बच्चे वैन में पहले ही जा चुके थे उनके उठने से पहले यानी तीन तीन दिन बच्चों की शक्ल ही नहीं देखी वो भी बेचारे हैं बिल्कुल प्राइवेट नौकरियां करने वाले बिल्कुल माँ जो है वो कहेगी मैं बच्चे संभालू मैं घर संभालू मैं तुम्हें संभालू या मैं तुम्हारे ससुराल को संभालू अपने ससुराल को मेरी अपनी लाइफ क्या है। अब ऐसा है कि जब ऐसे प्रॉब्लम्स आए ये कोई भी प्रॉब्लम हो तो संडे एक ऐसा दिन है कि कम से कम आपके पास 15 मिनट तो होंगे ऑफिस में संडे को फादर भी घर पे है माँ भी है बच्चे भी हैं तो सिर्फ 15 मिनट हम नहीं कह रहे कि तीन तीन घंटे दे हम नहीं अच्छा। कह रहे कि पूरा पूरा दिन लगाएं तीन घंटे अगर आप कहते जी मैंने बच्चे मेरा पास ही था मैं उसको टाइम दे रहा था तो आपके पास खेल रहा था वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा था इससे बेहतर है कि आप 15 नहीं तो 5 मिनट दें लेकिन आई टू आई कॉन्टेक्ट करें उसको आराम से बिठाएं उसके साथ शेयरिंग करें कि तुम क्या कर रहे हो तुम्हारा दिन कैसा गुजरा आज तुमने क्या किया तुम्हारे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं स्कूल में क्या चल रहा है घर में क्या चल रहा है सिर्फ 15 मिनट उससे बात कर लें आप यकीन करें कि फैमिलीज में 80% प्रॉब्लम्स तो वैसे आप इसमें सॉल्व हो जाएंगी अगर इफ यू स्टार्ट लिसनिंग हमारे यहाँ कुछ ये भी इश्यूज आ जाते हैं कि जी हमने मटेरियल रिस्पांसिबिलिटीज पूरी कर दी है एक बाप का काम होता है जी पैसे दे दिए स्कूल में एडमिशन फीस जमा करवा दी है वैन लगवा दी है लाने ले जाने के लिए ड्राइवर रख दी है और मतलब इस तरह खड़े होकर तो ये भी बहुत सारे इश्यूज इस तरह के हो जाते हैं कई अक्सर कई बच्चे इस तरह कहते हैं कि हम इतने इतने बड़े हम 20-20 साल तक के हो गए थे लेकिन उसके बाद भी हमारा हमारे अबू के साथ इस तरह का इंटरेक्शन क्योंकि कभी बाप ने फ्रेंडली बात की नहीं 5 मिनट पास बिठाया नहीं प्यार से चाहिए तो बस कह दिया पापा इतने पैसे देखिए पैसा प्यार की कमी तो नहीं ना पूरी कर सही सकता बात है प्यार प्यार है पैसा 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 तो जरूरत है सबने खाने के लिए पैसा चाहिए जाने के लिए पैसा लेकिन चाहिए जिससे मांग रहे हैं उसके साथ भी तो एक आपका रिलेशनशिप उस तरह बिल्कुल ये कल परसों एक मैसेज पढ़ी थी कि एक बाप बहुत बिजी था बच्चों को टाइम नहीं देता था तो एक उसकी बेटी ने कहा बाबा आप एक दिन में कितना कमाते हैं ही सेड $50 तो उसने कहा फाइन अगले दिन जाके बेटी ने $50 अपने फादर को दिए तो ही सेड व्हाई तो मुझे क्या मतलब शी सेड कि मैं चाहती हूँ कि जो आप एक घंटे में कमाते हैं वो टाइम आप मुझे दे दें ये उसकी फीस मैं आपको दे रही हूँ शी सेड कि मैं उसकी फीस आपको दे रही हूँ कि जो आप कमाते हैं $50 ये लें वो पैसे और मुझे इसके बदले टाइम दे दें थोड़ा सा ये सोचने की बात है हर घर में ऐसा ही है ऐसे ही आगे निकलने के चक्कर में चाहे वो कोई स्टूडियो लाइफ हो कुछ इस तरह की प्रोफेशनल हो सिंपल ऑफिस गोइंग हो प्रॉब्लम्स यहीं पे अगर आप किसी सेलिब्रिटी की भी लाइफ देखेंगे ना अगर हम जो हमारे लिए बहुत लाइमलाइट में लोग होते हैं
उनकी भी देखेंगे तो उनकी भी पीछे की एग्जांपल्स यही होगी। अब देखिए, वो भी दुनिया को टाइम दे रहे हैं, ऐसे उनके ही बच्चों है, को टाइम, उनका टाइम चाहिए। उनका कभी इंटरव्यू लें या उनके बच्चों का इंटरव्यू लें तो उनका भी आगे से जवाब यही होता है कि हम सारा दिन शूट्स में इस तरह बिजी होते हैं और हमारे बच्चे मतलब कहते रह जाते हैं कि हम लोगों के मुंह से अपने पापा का ऐसे नाम सुनते हैं लेकिन पापा को हमें देने के लिए टाइम नहीं है। और फिर वो बच्चे छोटे, फिर यहाँ भी प्रॉब्लम्स आई गेस रेज होते होंगे कि जब वो बाप की या माँ की अटेंशन लेने के लिए फिर कुछ ना कुछ ऐसा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स आते हैं, फिर नेगेटिव में चले जाते हैं, पॉजिटिव में चले जाते हैं। कई माँ बाप, कई बच्चे माँ बाप को सरप्राइज देना चाहेंगे और कोई फिर इस तरह की बुरी हरकत में पड़ जाएंगे, तंग करेंगे मेहमानों और फिर ये पेरेंट्स कहते हैं देखिए जी हमारे बच्चे ये हो गए, बच्चे ये कर रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं, बच्चे कभी सोचे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहीं आप तो उसके जिम्मेदार नहीं। बच्चे भी वो रीइंफोर्स, नेगेटिव रीइंफोर्स होते जाएंगे जो पेरेंट्स करते हैं, बच्चे उनको कॉपी करते हैं। आप नोट करें, नोटिस करें आप कि जो पेरेंट्स शाउट करके बात करते हैं उनके बच्चे भी शाउट करते हैं, उनके लिए शाउटिंग नॉर्मल बिल्कुल होगा। और अगर आप देखिए बच्चा पोलाइट है तो आप बैक एंड पे जाएं तो उनके पेरेंट्स भी पोलाइट है, ऐसे घर का माहौल इफेक्ट करता है, हर एक चीज इफेक्ट करती है। जो हम एक लफ्ज बोलते हैं, बिल्कुल हम जिस तरह चल रहे हैं, जिस तरह बोल रहे हैं, जिस तरह खा रहे हैं, जो एक्ट कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, बच्चा एक एक चीज कॉपी कर रहा है। हम 5-10 साल बाद कहते हैं कि बच्चा तो ऐसा हो गया, तो आप देखें आप खुद ऐसे हो गए और कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, उसके आप मुजरिम हम खुद निकलते हैं। और उन नॉर्मल में जो पोलाइट स्पीकर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स, उनको कभी देखो बच्चों को डांटते हुए तो बड़े आराम से मना किया ना, नहीं बच्चा उधर ही रुक, बिल्कुल। और यही आप वो शाउटिंग वाले में उसके सामने बोलो तो ये तो कुछ था ही नहीं, मुझे तो अभी डांट ही नहीं पड़ी है, मुझे तो मुझे एक घूरी डलती होती है, वो तो डली नहीं है अभी। एग्जैक्टली आप एक नॉर्मली आप वो सारा कुछ कर देते हैं। एग्जैक्टली अच्छा, यहाँ तो हमने वो सारा कुछ बच्चों का डिस्कस कर दिया, तो यहाँ हमारे बेचारे जो बड़े पीछे रह जाते हैं। एक देखिए जिस तरह भी आपने एक हार्ड वर्किंग फादर की एग्जाम्पल दिया कि वो बेचारा सुबह से शाम तक कर रहा, उस बेचारे का भी क्या कुछ, मतलब वो इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहा लेकिन करियर उसको भी बनाना है, प्रोफेशनल लाइफ में वो भी सेट है, तो आया वो लोग भी अपनी काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं जो उनके ऑफिस के सारे इश्यूज हैं वो सारा कुछ बिल्कुल बिल्कुल वो आफ्टर ऑफिस टाइमिंग्स करियर काउंसलिंग है, उनकी ऑक्यूपेशन बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए उनके भी फैमिली इश्यूज हैं, अगर एक फादर के साथ फैमिली इशू है, वो कह रहे हैं मेरी बीवी समझ नहीं पा रही, बच्चे समझ नहीं पा रहे, तो ही कैन कम अपने फैमिली इश्यूज के साथ, अपने पर्सनल इश्यूज के साथ, ऑफिशियल इश्यूज के साथ, ही कैन कम एंड टेक द हेल्प, नो प्रॉब्लम। कुछ हमारे अनफिनिश्ड बिजनेस भी कहीं बैक एंड रह जाते हैं जो बिल्कुल हर चीज पे प्रॉब्लम, बिल्कुल ये आप मतलब एक काउंसलिंग साइकोलॉजी ये सब चीजें डील कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, काला है, गोरा है, बस वो इंसान होना चाहिए, विद प्रॉब्लम्स होना चाहिए। हम तो चाहेंगे प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन नॉर्मल इंसान बिल्कुल इंसान है तो फिर प्रॉब्लम्स बिल्कुल बिल्कुल, एनीबॉडी कैन कम, एनीबॉडी कैन कंसर्न। ठीक है, तो ये तो मतलब आपके कि आपकी पूरी लाइफ एक कवर हो गई, बिल्कुल काफी मोटिवेटिंग फैक्टर यहाँ आ जाता है। अब देखिए रात को अगर सोते हुए 2 बजे की कॉल आ गई है, अब मैं उसको ये नहीं कह सकती कि तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए कि घर में ये सीन होने लगा, प्रॉब्लम होने लगी है, तो रात 2 बजे भी अगर कॉल आई है तो आई कांट से कि आपने मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी है और आप जाएं भाड़ में, जिस तरह के एटीट्यूड है। लेकिन इससे एक साइकोलॉजिस्ट की भी तो पूरी लाइफ बिल्कुल होती है, पर्सनल लाइफ। अब हम उसको उस वक्त सूट डाउन करते हैं, काम डाउन, कि अगर सुबह तक वेट हो सकता है क्योंकि इमरजेंसी में तो हल नहीं निकलने वाला ना चीज का जो चल रही है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज है तो वो रात 2 बजे हेल्प होगी, नहीं तो इन द मॉर्निंग आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूंगी आपके साथ मिसेस फातिमा, बहुत अच्छा लगा कि इतनी हमने एक चीज़ें इतनी मतलब कम से टाइम में हमने पता नहीं कहाँ से हम बच्चों पे गए, स्कूल पे गए, वहाँ से बड़ों पे चले गए, एडमिनिस्ट्रेशन और क्या क्या सारी हमने आई गेस हर चीज़ हमने यहाँ पे कवर कर ली है। मैं तो बल्कि अभी और भी इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में निकल रहे हैं, लेकिन मुझे ये कि अच्छा अच्छा कि इसमें भी फिर निकल ही आता होगा, मैं खुद से वो जवाब दे रही हूँ कि अच्छा यानी यहाँ पे भी वन ही जाता, बिल्कुल लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स इसमें आएंगे, सारे एक इंसान के कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई लास्ट में एक मैसेज देना चाहें, जो अब मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे जो उनको उनके आंसर्स मिल चुके होंगे, जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुकी होगी, जो फियर्स हैं जो हमारे यहाँ के डर और वसवसे होते हैं, एंजाइटी की आपने बात की है, बैक एंड डिप्रेशन की बात की है, जो पास्ट में हो गया, जो फ्यूचर में होने वाला, जो हो रहा है, उन सब चीज़ों को किस तरीके से डील करना है, कैसे कैसे एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद कर सकता है, तो डॉक्टर मिस फातिमा अगर आप यहाँ पे कोई मैसेज एंड पे दे दें। जी मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो बींग अ मुस्लिम, इवन इफ यू आर नॉट अ मुस्लिम, बींग अ मुस्लिम सबसे पहले तो कहते हैं ना कि जिक्र इलाही में ही सुकून कल्ब है। सबसे पहले जब आपको प्रॉब्लम आए तो अपने रब का जिक्र ज़रूर करें। अल्लाह ताला कहता है कि तुम मुझे जिस तरह याद करते हो मैं तुम्हें उतने ही करीब होके जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले 5 वक्त की नमाज शुरू करें, जिक्र इलाही दिल में रखें, दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी को अपना मामूल बनाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। अब देखिए इस वक्त जो मुल्क में सिचुएशन चल रही है, हर पल का स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस का इलाज अगर आज स्ट्रेस थेरेपी करवा भी लेंगे, कल एक ब्लास्ट हो जाएगा, फिर स्ट्रेस हो जाएगा, यू नेवर नो।
तो सबसे पहले अपने अल्लाह को अपने दिल में रखें, अपने बच्चों को आदत डालें, खुद नमाज पढ़ें, उनको पढ़ाएं, दीनी तालीम की तरफ उनको रागिब करें। आप देखें म्यूज़िक नाच गाना तो हर तरफ बहुत हो रहा है, जो चीज़ हमें सिखानी चाहिए वो हम उतने ही दूर होते चले जा रहे हैं, बल्कि ये भी देखने में आया कि उसको बैकवर्ड कहा जा रहा है कि जी ये क्या हर वक्त अल्लाह अल्लाह की बातें करते रहते हैं जी, बैकवर्ड पीपल। तो मैं माजरत के साथ कहूँगी प्लीज़ हम इस वक्त जितनी दुनिया में जो मामला संभाल रहे हैं सब अल्लाह की मर्जी से संभाल रहे हैं, सबसे पहले अपने रब को पुकारें। नंबर टू, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको छोटा मत समझें। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी ज़ात को इम्पोर्टेंस दी जाए, अपने बच्चे अपने बीवी अपने आप को आप इम्पोर्टेंस देना लर्न करें। कोई भी चीज़ मामूली नहीं होती, ठीक है। जब आप इम्पोर्टेंस देंगे तो आपके हर एस्पेक्ट आपके सामने आएगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। नंबर टू, सिक्योरिटी के बाद रिस्पेक्ट, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना सीखें। रिस्पेक्ट के बाद प्यार शामिल हो तो क्या ही बात है, प्यार से मामलात को हैंडल करें। एंड ऑलवेज बी अ गुड लिसनर, सुने ज़रूर, अगर आप हेल्प नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट सुने ज़रूर। सुनने से बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, और जो सुनाना चाह रहा है वो इससे पहले के बाद किसी और थर्ड पर्सन को गलत जगह पर जाके सुनाए, उससे बेहतर है कि वो आपके आपके काम में पड़े वो बात। आप अगर खुद हेल्प नहीं कर सकते होंगे, एटलीस्ट यू विल टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, अब दूसरों से वो रास्ते तलाश करेंगे। अपनी औलाद को, अपनी बीवी बच्चे सब आपस में वीक डेज में नहीं तो वीक एंड पे क्वालिटी टाइम ज़रूर दें। क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा टाइम, इसका मतलब है वो चंद लम्हात, वो फ्यू मिनट्स, नॉट एन आवर, जस्ट मिनट्स, जिसमें कि आप बीवी बच्चे फैमिली सारे इकट्ठे बैठे, एक दूसरे का हाल चाल, प्यार मोहब्बत, क्या एक्टिविटीज़ की हैं, स्कूल कैसा है, कॉलेज कैसा है, ऑफिस कैसा जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, एक दूसरे को आपस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आप इसमें शेयरिंग करें। जितनी ज़्यादा शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग इज़ केयरिंग, उतने आपके मामला आपस में सुलझने शुरू हो जाएंगे। और सब्र और बर्दाश्त पैदा करें, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, एज़ यू नो दैट अ मैन हु इज़ मास्टर ऑफ पेशेंस इज़ मास्टर ऑफ एवरीथिंग एल्स। सब्र थोड़ा पैदा करें, अपनी ईगोज़ को एक साइड पर रखें और माफ़ करना सीखें, अपने दिल बड़े करें। अ ब्यूटीफुल हार्ट, जिस शख्स का दिल खूबसूरत होता है उसके लिए ज़िंदगी के कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही रह जाती है। बाकी मैं ना चाहूँगी कि बहुत शुक्रिया आपकी इनवाइट करने का, इस फोरम पे बात करने का। आई विश दैट हमारी सोसाइटी जो है वो जल्द से जल्द जो है अपनी प्रॉब्लम से निकल कर एक प्रॉस्पेरस सोसाइटी की तरफ जो है वो गामजन हो। जी थैंक यू। इतनी खूबसूरत बातें यहाँ पे मिस फातिमा ने की। मिस फातिमा, यहाँ पर वैसे तो जो आपने कहा वो सब कुछ है, कम्प्लीट था, कम्प्लीट मैसेज था, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी तरफ से दो छोटी सी और चीज़ें यहाँ पर ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि जिस तरह आपने यहाँ पर बात की कि लिसनिंग की, कि आप सुने ज़रूर, तो हमारे यहाँ जितना एक बिजी शेड्यूल और सबका एक होता है, वहाँ पर एक पहले ये बात आ जाती है कि भाई हम क्यों सुने, हमें क्या फायदा होगा। जरूरी नहीं है नाजरीन के हर चीज हम अपने फायदे के लिए करें। यहाँ पर आप ये देखें कि किसी के पास बैठकर थोड़ा सा उसका सुन लेना शायद आपको फायदा ना पहुंचाए, लेकिन उसका आपको सुना देना, उसका दिल हल्का हो जाएगा, उसके कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप खुद देखें, आपका कोई भी क्लोज फ्रेंड हो, आप उससे जब सब कुछ शेयर कर लेते हैं तो आप कितना हल्का महसूस करते हैं। तो यही अगर आप अपने लिए फील करते हैं तो आप किसी और के लिए भी फील करें। तो मेरे ख्याल से ये दो मिनट की वो नेकी जिसे हम कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारी चीजें बहुत हमारे आ जाएंगी, इसमें प्रॉब्लम्स खत्म करेंगी। दूसरी यहाँ पे चीज कि हम जिस तरह अभी आपने बात की कि नमाज पढ़ना, अल्लाह को याद करना लोग बैकवर्ड कह देते हैं, तो मेरे ख्याल से हमारे एक डेवलपिंग कंट्री को, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन को इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि लिबरल होना, मॉडर्न होना और रिलीजन, ये तीन सब अलग-अलग चीज़ें हैं। रिलीजन कभी भी बैकवर्ड नहीं होता, रिलीजन कभी भी आपको मॉडर्निटी को और पीछे जाना नहीं सिखाता, रिलीजन साथ साथ चलता है, लिबरल होना, मॉडर्न होना सब साथ साथ चलता है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिस फातिमा ने हमें एक मैसेज कन्वे किया है। तो इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँ कि आप जिस तरीके से आपने ये सारा, उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी अच्छा आपको ये प्रोग्राम लगा होगा, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको हल मिल गए होंगे, तो यहाँ आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आपके रोज़मर्रा के मसाइल को ख़त्म करके या उनको कम करके या और कुछ नहीं तो वो आपको नए से नए वे बताते हैं कि कैसे आप कैपेबल होंगे, आप अनेबल होंगे अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने के। तो ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है नाज़रीन, एक ही दफ़ा मिलती है, उसको इंजॉय कीजिए, उसको आसान बनाइए, अपने हर रिश्ते को जीजिए। आप मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फॉर्चुनेट होंगे जिसे लाइफ में सारे रिलेशंस मिलते हैं, कभी उनको देखिए जो उस रिलेशन के लिए तरस रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी एक रिलेशन हो, छोटे से छोटा जो शायद हमारी लाइफ में कोई एक मैटर नहीं करता, हमने जस्ट फॉर ग्रांटेड लिया होता है, लेकिन हर रिलेशन की एक खूबसूरती है, उसका एक अपना डिमांड है। तो अगर आप इन सब चीज़ों पर गौर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी यहाँ पर इंशाल्लाह ज़रूर खूबसूरत बन जाएगी। इसी सब के साथ मैं ग्लोबल फोरम
की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, आपकी होस्ट वास्के महमूद, आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, बताइएगा कि आपको क्या प्रोग्राम लगा, किस तरह का प्रोग्राम लगा, और मज़ीद अपने सजेशंस भी ज़रूर दीजिएगा कि कैसा आप मज़ीद चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में, क्या क्या मसाइल, क्या क्या चीज़ें हैं जिसे आप डिस्कस करना चाहते हैं। उसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।